अंडर 25 वाले आप लोग जोरदार तालियों और आवाजों के साथ स्टेज पर उनका स्वागत करें। सद्गुरु, आप खुद को शांत कैसे रखते हैं? आप जब भी चाहें तब, इसका स्विच, इसका कंट्रोल कहाँ है? अगर मैं राइड या ड्राइव कर रहा हूँ तो जितना तेज ये होता जाता है उतना ही मैं शांत और कूल होता जाता हूँ। बस एक नियम है, कभी किसी चीज से टकराना मत। ये आपकी जिंदगी पर भी लागू होता है। आप महत्वपूर्ण इसलिए नहीं बनते क्योंकि आपने कुछ किया है, इसका बस सामाजिक महत्व है। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये उस समय पर निर्भर करता है जिसमें हम हैं। पर अगर आप यहां बैठे तो आपका इस जीवन के रूप में होना महत्वपूर्ण होना चाहिए। देवी के इस रूप का झुकाव मुक्ति की ओर आगे बढ़ाने में ज्यादा है, ना कि सिर्फ भौतिक खुशहाली की ओर। इन्हें इसी के लिए बनाया गया है। भैरवी वो हैं कि अगर आप उपयोग कर पाएं तो जीवन के हर पल को उमंग से भरा और अद्भुत बनाना एक जीती जागती संभावना होगी। आज मैंने बढ़िया रागी डोसा बनाए हैं, आपको खाकर देखना ही चाहिए। आप इस आनंद को कैसे पकड़ के रखते हैं? पकड़ने के लिए कुछ नहीं है। अगर आप किसी भी चीज को पकड़कर ना रखें तो आप आनंदित रहेंगे। शब्द नहीं निकल रहे। मैंने अभी अभी एक सेशन किया सद्गुरु के साथ। आप सभी युवा महिलाएं जो यहाँ हैं, हम यहाँ एक नया भारत देख रहे हैं। अगर हम उस तरीके को बदल दें कि कैसे इस देश की युवा महिलाएं अपने जीवन को समझती हैं, कैसे वो खुद को और अपने आसपास के लोगों को देखती हैं, और उनका कौशल अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो जाए, तो निश्चित रूप से हम इस देश को बदल देंगे। यहां मैं भारत पाकिस्तान की सीमा पर हूं। कितनी दर्दनाक जगह है, कितना खून, कितना दर्द, कितने घाव इसने देखे हैं, पर फिर भी हमें इसकी सुरक्षा करनी है। हमारे बहादुर पुरुष और महिलाएं अपना सर्वोच्च दे रहे हैं, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ध्यान इतना जरूरी है तो इसे बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? एक इंसान का ध्यान वो द्वार खोल सकता है जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते। खेल में ध्यान चाहिए, मेमोरी नहीं। मेमोरी बस रिपीट होती है, आपको सिर में बोझ देती है। आपको वहां इसकी जरूरत नहीं है, आपको बस ध्यान की जरूरत है। एक चीज जो आप सभी को समझनी चाहिए कि हमारे पास धरती की बस 4% जमीन है, पर हमारे पास दुनिया की 17.2% संख्या है। इस 4% में कैसे हम सबसे स्मार्ट तरीके से निर्माण कर सकते हैं, ये बहुत जरूरी है कि हम अलग तरीकों से निर्माण करना सीखें। ये बहुत जरूरी है कि हमारी बिल्डिंगें, हमारे मकान, हमारी बुनियादी संरचनाएं इस देश को सूट करें। जहां हमारे पास सिर्फ 4% जमीन है पर दुनिया की लगभग 20% जनसंख्या है। इस चीज का आप सभी को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। मेरा ये सौभाग्य है कि मैं यहाँ बनास में हूँ और यहाँ के किसानों से बात कर रहा हूँ। मैं आपको ये जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ और ये सम्मान भी कि अगले 2 से 3 साल में आप जो यहाँ करते हैं वो सारी दुनिया के लिए एक उदाहरण बन सकता है और दुनिया में एक क्रांति ला सकता है मिट्टी के पुनर्जीवन के लिए। आप सब भी ऐसे जाएं और बोलें कि ये नया फैशन है ईशा लाइफ में। ये 42वां शॉल है जो स्वामी जी दे रहे हैं। ये मेरी इच्छा है और मेरा आशीर्वाद है कि आप सभी जो इंजीनियर बन चुके हैं या बनने वाले हैं, आपको इस दुनिया में ऐसी जादुई चीजें बनानी चाहिए जो सारी मानवता और इस धरती के हर जीवन के लिए खुशहाली लेकर आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बच्ची मेरी है माँ, इसे मेरे पास जरूर भेजना। हाँ, जरूर भेजूंगी सर। हमारे 3 अद्भुत स्वामी जी जो यहाँ उपस्थित हैं, वो उन संस्थाओं और परंपराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। हर एक संस्था 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी है,
केवल मैं ही यहाँ बिना किसी वंशावली का हूँ। सांसारिक प्यार में हम गिरते हैं, पर गुरु के प्रेम में हमारी उन्नति होती है। ऐसा सद्गुरु का प्रेम होता है। मेरे बाजू में सेंट एवरेस्ट है, ये संत कभी रेस्ट नहीं करते। ये जगह केवल टूरिस्ट के लिए आकर्षण नहीं है, बल्कि ऐसी जगह भी है जहां लोग आकर शांति पा सकते हैं। वो उग्र होकर भी आए तो भी शांत होकर लौटते हैं। ऐसा है ईशा योग केंद्र। हम भारतीय कई दूसरे देशों के नाम का उच्चारण सही से नहीं कर पाते, ऐसे ही दूसरे देशों के लोग ठीक से भारत नहीं बोल पाते, कठिनाई होती है। आज अगर दुनिया भर के लोग भारत बोल रहे हैं तो ये सद्गुरु की वजह से हो रहा है। वो आपके बहुत आभारी हैं कि उन्हें आश्रम में दोबारा आने का अवसर मिला। वो अपने एक दोस्त के साथ आए हैं, वो भी नेत्रहीन है। मुझे छू कर पढ़ा जा सकता है, ठीक है? बस एक चीज हमें करनी है, खुद को चलाना सीखना है। अगर हम इसे जागरूकता के साथ चलाने लग जाएं, तो हम हर चीज का समाधान है।